लेट्स वेलकम डॉक्टर वैभव शर्मा. ही हैज स्कोर्ड हेलो 194 मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो डियर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड लाइक एज आई गॉट टू नो यू दैट यू आर द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली, सो अगेन वन मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू मैम। सो प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि क्या एक्सपीरियंस रहा प्रिपरेशन के टाइम पे और कैसे आपने प्रिपरेशन की. मैम इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू लाइक प्रिपेयर फॉर 5-6 मंथ। आई हैव स्टडीड लाइक फॉर In the I was in the Ukraine first. I was in Kharkiv. I am in national. I graduated from Kharkiv National Medical University, and it was really hard for me to like live away from home and without any friends in Gautam Nagar. But the overall experience was great with the MIST. The guidance I got and the motivation I got were really helpful for me during the last days of examinations. That's really great to know. Thanks to Actually, whenever I like felt nervous or sad, I just contacted like pathology faculty Dr. Kunal Vir Garg, and he really motivated me कि कोई नहीं बेटा हो जाएगा, टेंशन मतलब हो जाएगा, That's and he really really great. motivated me. And स्टार्टिंग में तो मैम 4 महीने जब आया था तब तो पता ही नहीं था कि क्या कैसे करना है। कोई कोई सब्जेक्ट्स हुए थे, कोई कोई सब्जेक्ट्स नहीं हुए थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। जब ज्वाइन किया तब पता चला कि हाँ ना, इतनी रेशो कम है, इतने बच्चों का होता है, 10% बच्चों का होता है बस, उससे ज़्यादा का नहीं हो पाता। एंड तो डर तो लगा था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते जब पढ़ने लगे, जैसे क्लासेस से बोला जाता था कि घर जाके आपको रिवाइज करना है एंड उसके बाद आके रिवाइज करके फिर ही सोना है, तो आई फॉलोड दैट। पहले सबसे पहले जैसे ही घर आता था सबसे पहले रिवाइज करता था, खाना वगैरह खाता था एंड सो जाता था, क्योंकि रोज क्लासेस होती थी 9 से लेके 7 बजे तक। तो डिफिकल्ट तो था, बट हाँ इट्स रियली अभी ग्रेट फीलिंग आ रही है कि चलो डॉक्टर तो बन गया एंड फैमिली का पहला डॉक्टर, अच्छा भी लग रहा है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इतना अच्छा स्कोर भी लेके आए हो. थैंक और यू। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भी तुम डेली डेली रिवाइज करते थे, मतलब क्लास के बाद मेक श्योर करते थे कि भी तुम वो वाला पोर्शन रिवाइज कर लो. दैट इज और मैम वेरी एक और मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे जो क्वेश्चन वगैरह, जो क्वेश्चन बैंक था ना, जो क्वेश्चन बैंक वगैरह मिस ने प्रोवाइड किया था एंड उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी वो बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि कई कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, थोड़े थोड़े आई फेल्ट इट कि ऐसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ते कोई भी ओके क्वेश्चन हो, बट उसी तरीके के क्वेश्चन थे। एनाटमी तो पूरी सेम थी जो आपने पढ़ाई थी, वो तो आपने इनफैक्ट जो 15 मिनट वीडियो डाली थी उसी से 3 क्वेश्चन आए थे, वो एक तो वर्टिब्रल लेवल वगैरह वाले, तो अच्छे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, डिफिकल्ट था पर 4-5 महीने घर से दूर, खाने पीने का पता नहीं, एंड इट वाज डिफिकल्ट टच। बट लेकिन ये जो 4-5 मंथ्स का स्ट्रगल किया उसमें तुमने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की. दैट वाज द मेन थिंग एक्चुअली. हाँ लास्ट के जो थोड़े थोड़ा थोड़े महीने थे उसमें नर्वसनेस की वजह से थोड़ा स्केल नीचे चला गया था, पहले जो था दिसंबर तक स्केल ऊपर था पढ़ाई का काफी, क्योंकि ओके आखिरी के महीने में हम समझ ही नहीं आ रहा था, इट वॉज इतने सारे सब्जेक्ट है कैसे होंगे रिवाइज करने हैं सारे सारे। फिर उसके बाद फिर भी मैंने विनीत सर से बात करी, कुणाल सर से बात करी, वो कहते कि थोड़ा थोड़ा जो पास्ट ईयर टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स पढ़ के जरूर जाओ, क्योंकि उनमें से आते हैं और वैसे ही क्वेश्चन थे। बिल्कुल. मॉडरेटली डिफिकल्ट था पेपर, बट क्वेश्चन आसान थे, बट ऑप्शन डिफिकल्ट थे इस बार। ओके तो बेसिकली तुम्हें ऐसा क्या लगा कि जैसे जो नोट्स तुम्हारे थे वो उसकी वजह से तुम्हारा एग्जाम ज्यादा बेटर हुआ, या जो तुमने जैसे PYQs लगाए, क्या चीज का ज्यादा अच्छा रोल रहा? मेरे हिसाब से मैम सारी चीजों का अच्छा रहा कि अच्छे से नोट्स पढ़े उसके बाद क्वेश्चंस करें। व्हाट आई यूज टू डू वाज कि जितने ज्यादा से ज्यादा मैं टॉपिक्स को दोबारा दोबारा पढ़ पा रहा था उसको उतनी बार पढ़ रहा था एंड देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक से कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से फायदा ये हो रहा था कि जो चीजें नहीं भी याद हो पा रही थी वो मैं रिकॉल कर पा रहा था क्वेश्चन में, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। ओके ये बहुत सही बात तुमने बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब वो बार बार लाइक जब तुमने पढ़ा तो उससे तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. बिल्डअप हो रहा था कि हो जाएगा, बट आखिरी महीने बहुत नर्वसनेस तो थी।
वो एक्चुअली में एंड देखो एग्जाम दे रहे हैं तो नर्वसनेस तो थोड़ी होती है, बट ये कि अपना डेडिकेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ जी मैम वही वो तुमने किया, डेडिकेशन मेंटेन किया, तुमने पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखा, तो उससे ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। हाँ जी मैम। एंड मोस्टली सब्जेक्ट्स तो मतलब जैसे फार्मा वगैरह के भी लास्ट में जो रिपोर्ट थी 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे उनके उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे फार्मा वगैरह के। इनफैक्ट उसके फार्मा के माइक्रो के मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं में से थे। एनाट में तो पूरी सेम थी। ओके, सो मींस लाइक जो ये 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशंस थे वो बहुत हेल्पफुल रहे आपको? बहुत हेल्पफुल थे यस मैम। इट वाज दे वर रियली हेल्पफुल। ओ दैट इज सो नाइस, नो सो नाइस टू हियर। सो लाइक आपके फैमिली में भी मैं सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी, क्योंकि उनका सपोर्ट तो देखो सबसे बड़ा सपोर्ट है जो हर समय तुम्हारे साथ है, हाँ और लाइक एक मोटिवेशन की तुमको उन्होंने एक तरह से डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया और सपोर्ट भी किया। जी हाँ जी मैम थैंक तो यू। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अगर फैमिली में कोई हो साथ में। हाँ जी मैम। आपकी स्क्रीन चली गई? अच्छा स्क्रीन चली गई। नहीं नहीं स्क्रीन है, तो अगर कोई साथ में है तो मेरी तरफ से। मैम मेरे ब्रदर हैं अच्छा ब्रदर आ हैं साथ रहे में, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। हैं। हाँ हेलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका और जी सबका इतना सपोर्ट रहा तभी डॉक्टर वैभव इतना आगे तक निकले और अब डॉक्टर बने हैं, तो आप पहले डॉक्टर फैमिली में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आप लोगों का ज्यादा सपोर्ट हमारे से भी। हमारा तो मॉरल सपोर्ट था, आप लोगों का सारी तरफ से चारों तरफ से सपोर्ट रहा है इसको। मैम बहुत ही बहुत धन्यवाद इस चीज का। तो मतलब आपको लाइक क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि जो बाकी भी फैमिली मेंबर्स के लिए, कि अपने मतलब घर में स्टूडेंट्स का या अपने ब्रदर सिस्टर या बच्चों का कैसे सपोर्ट करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन? उनको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि क्या काम कैसे हो रहा है और बच्चा किस प्रेशर से गुजर रहा है, रदर देन उनके पीछे पड़ना। नहीं आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया उसको पता है मिलने क्या अच्छा और मिलने क्या बुरा है। तो फैमिली को बिल्कुल हमेशा उसकी बैक बन के रहना चाहिए कि हाँ आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और जो होगा फ्यूचर में अगर आप अपने गोल्स के हिसाब से चल रहे हो एंड यू आर डूइंग योर एफर्ट टू अचीव दैट गोल, यू विल डेफिनेटली अचीव इट। ओके आपको बस इम्पोर्टेंट ये है ये रखना है कि चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन में जाने चाहिए, एज अ पीछे बैक रह के यहाँ सारी चीजें सही चल। हमारा मानना यही है, हमारा इसके साथ यही रहा है कि बच्चे ने जो भी डिसीजन लिया ये फुलफिल्ड है विदाउट एनी डाउट। नहीं, ये तो बिल्कुल जो प्रिपरेशन की जो डिसीजन लिया उसमें वो खरा उतरा है और बहुत ही अच्छे नंबरों से खरा उतरा है। सही, हम भी बहुत खुश हैं मैडम इस चीज में। वो तो दिख ही रहा है आपको ये स्माइल से कि एक हैप्पीनेस जो है। तो मेरी तरफ से पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना डॉक्टर वैभव, हाँ जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। और तुमसे ना थोड़ा टिप्स लेना चाहते हैं, लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम क्या टिप्स देना चाहोगे कि भाई ये प्रिपरेशन में ये चीज तो फॉलो करनी ही करनी है? हाँ जी मैम एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है कि जो क्लास में होता है उसको सबसे पहले रिवाइज करना इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम पढ़ते जरूर हैं बट क्लास में पढ़ना इज नॉट इनफ। उसको घर आके जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तो रिकॉल नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं एग्जाम में वो चीजें याद जरूर आती है जो क्लास में भूली जाती ओके, तो ये है। भी बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। एंड मैम उसके अलावा आई फील मोस्टली जो थोड़े थोड़े मेरे फ्रेंड ने गलती ये करी है कि उन्होंने टेस्ट और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से नहीं करा। दिस इज व्हाट आई फील कि क्वेश्चन बैंक कर लेना चाहिए और टेस्ट देने चाहिए, बिकॉज तभी तो तुम अपने आप को वो कर पाओगे कि किस लेवल पे हैं कि होगा या नहीं होगा। बिकॉज मान लो अगर आपके टेस्ट में 130 भी आ रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ यू विल प्रिपेयर मोर हार्डर कि हाँ और अच्छे से करता हूँ तो हो जाएगा। अगर टेस्ट नहीं दोगे तुम अपने आप को कर ही नहीं सकते, वो नहीं कर बिल्कुल सकते। तो मेरे हिसाब से मैम सबसे जरूरी ऑन द फर्स्ट कि जो पढ़ा जा रहा है उसी को पढ़ो और बार बार आखिरी में किसी भी रिसोर्स के पीछे मत भागो, बिकॉज आखिरी का टाइम इज वेरी वोलेटाइल और जो चीजें होती हैं दिमाग से वो भी उड़ने लगती हैं। और अगर तुम इधर उधर भागने लगते हो आखिरी के टाइम पे तो सब खराब होने के बाद ज्यादा ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई फील मैम।
बेसिकली एकदम लास्ट के टाइम में, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये और भी ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि एक ही चीज पे स्टिक करो, जो यस पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज कर दो, बार बार रिवाइज करो। मैम, बिकॉज तुम इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कमी तो नहीं है मेडिकल की रिसोर्सेज की, और बिल्कुल नॉलेज की भी कमी नहीं है, बट हाँ जिस जो नॉलेज तुम्हें है वो आई फील सफिशियंट है पास होने के लिए, बट बिल्कुल हम उसको छोड़ के नई नॉलेज की तरफ भागते हैं, उसमें काम खराब हो जाता है, तो उसमें कहने का मतलब टाइम ये बहुत खराब होता है, कि जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है पहले उसको समेट लें अच्छे समेट से, ले कि उसको हम वो श्योर कर लें कि वो हमारी पक्की नॉलेज है या नहीं। तो जो नोट्स है हमारे नहीं। पास है उसको पक्का कर लें पहले, कि हमें अच्छे से याद है या नहीं, वो हाँ ज्यादा जी, और वो सबसे जरूरी है, और उसके अलावा आई फील पास्ट ईयर टॉपिक्स करने बहुत जरूरी है। तो PYQ और पास्ट ईयर टॉपिक्स पे तुमने पूरा अच्छे से फोकस किया फोकस किया और था मैम, उनको थोरली मतलब थॉरो किया अच्छे से। किया था। हाँ जी मैम, उसमें से भले ही क्वेश्चन ना आए हो पर एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग तो बन जाती है ना कि किस तरीके का दिमाग चल सकता है एग्जामिनर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक एज अ होल मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने तुमसे बात की, तुमने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे अपने, बहुत ही कई बार रिवाइज भी किया इनफैक्ट मैम सेकेंडली। 4 बार करे थे रिवाइज, ओ एक सबसे पहले क्लास के टाइम, उसके बाद दोबारा जब टेस्ट होते थे जैसे वीकली टेस्ट होते थे, एंड तीसरी बार तब जब ग्रैंड टेस्ट होते थे जो आखिरी में टेस्ट होते थे, और चौथी बार जब जाने से पहले जो पास्ट ईयर टॉपिक्स वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो वो सारे कंप्लीट किए। तो सारे कंप्लीट किए थे। तुम्हारा मेन फोकस नोट्स, फिर तुम्हारा मेन फोकस था कि जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में आए तो वो सारे हाँ तुमने पूरा अच्छे थॉरली प्रिपेयर किए, और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स इन सब मैम, पे यस तुमने बहुत अच्छे से फोकस किया, और यू हैव स्टिक टू बार वन सोर्स और उसी को बार 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 अच्छे से बार रिवाइज। पढ़ता हूँ, जैसे विनीत सर बोलते हैं एक ही चीज को अपना बना लो, उस पर बिल्कुल। फोकस करो। तो तुमने मतलब बिल्कुल ना मिस्ट को भी दिल से अपना बना लिया एक एक नहीं मैम, चीज बना फॉलो ली। हाँ की है फॉलो मैम करने की, पूरा तो नहीं होता 100%, बट हाँ 90-80% तो फॉलो करने की कोशिश करी कि जो बोला वो कर पाऊँ अच्छे से। बहुत ही अच्छा, मतलब यू वर रियली डेडिकेटेड थ्रू आउट। मैं तो यही कहूंगी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ साथ डेडिकेटेड, डेडिकेशन भी बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे अंदर है डेडिकेशन। वही मैम, कंसिस्टेंसी दिखी इस दिखी किसी भी चीज के लिए, अगर कंसिस्टेंट हो तो आई फील कुछ भी चीज निकल जाती। और बिल्कुल सही, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और साथ में आपका हार्डवर्क, दैट इज द मेन थिंग। हाँ जी मैम, तो डियर कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके, और ये जान के कि भी तुमने एक बहुत ही बड़ी मतलब जीत हासिल की अपनी फैमिली के लिए। यू आर द फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली एंड दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। दे रियली आर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन, एंड आई रियली विश कि आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू मैम, और आप ओके मैम गाइडेंस देते रहना अभी आगे अभी। बिल्कुल थैंक ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। यू मैम।